कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो कभी डरा नहीं। जी हाँ, अगर आपका टारगेट है IBPS PON क्लर्क, SBI PON क्लर्क या फिर RBI ग्रेड बी या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन, लेकिन आपकी इंग्लिश काफी वीक है, इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाते, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं संतोष कुमारे आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ उड़ान 1.0 इंग्लिश का फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट होगा 30 मार्च से। ये प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच है, जिसमें हम लोग हर एक सेक्शन के प्री प्लस मेंस लेवल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज ही ज्वाइन करें उड़ान 1.0 इंग्लिश का फाउंडेशन बैच प्री प्लस मेंस। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सारे लोगों का अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम संतोष कुमार है और आप सब लोगों का इस सेशन में तहे दिल से स्वागत है। फटाफट से इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों को देना है। भाई ESIC MTS का जो है वो एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, मैंने अभी तक देखा नहीं है कितने तारीख को एग्जामिनेशन है। और उसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ESIC UDC का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ESIC अब मेंस की तैयारी जो है ताबड़तोड़ तरीके से आप सब लोगों को करनी है, इसलिए क्योंकि जैसा मैं बोल के जा रहा था ऑलमोस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही सारी की सारी चीजें यहां पे हो रही हैं। RTI की तरफ से रिप्लाई आया था कि 30 अप्रैल को आपको ESIC UDC का जो फेज 2 एग्जाम होना है, मेंस एग्जाम होना है, ऐसा RTI की तरफ से रिप्लाई आया था। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि लगभग 15 डेज पहले, है ना, 15 दिन पहले जो है वो आपको उसका जो प्री है फेज वन उसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। मैं एक या शायद कल ही ये बात हम लोग जो है वो कर रहे थे और फाइनली आप देख सकते हैं कि कल देर रात जो है वो MTS का एडमिट कार्ड भी रिलीज, आपको उसका नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई और UDC का रिजल्ट जो है वो भी आपको आउट हो चुका है। तो जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और लेकिन आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सिर्फ प्री क्वालिफाई करना आपका उद्देश्य नहीं था, जल्दी से अब आप लोग सारे लोग मेंस की तैयारी में आप लोग फटाफट से जुड़ जाएं, ठीक है। सारे के सारे लोग मेंस की तैयारी में हमेशा जो है वो जुड़ जाएं, क्योंकि मेंस नाम से ही समझ में आ रहा है कि मुख्य परीक्षा है ना, तो उसकी तैयारी में आप सारे लोग जुड़ जाएं। ध्यान रखिएगा कहीं YouTube पे उसकी क्लास नहीं चल रही है, वी हैव ओनली अ बैच, हमारे पास एक सिर्फ पेड बैच है जो आपका स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से। लगातार एकदम हर दिन हम लोग क्लास करेंगे 15 से लेकर के 28 या फिर 29 तारीख तक एवरीडे। तो वो बैच आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके आगे और भी सारे एग्जामिनेशन है, SBI क्लर्क भी आ रहा है ना, तो करते हैं देखते हैं सब लोग साथ में करते हैं देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो गई, कहाँ पे चूक हो गई ये थोड़ा सा जरूर एनालाइज जरूर करिएगा कहाँ पे चूक हो गई, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी तरफ से ये है कि सेशन को एक बार फटाफट से लाइक जरूर कर लेना, शेयर एक बार कर दीजिएगा जहाँ जहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, अलग अलग जहाँ भी आप यहाँ पे कनेक्टेड हैं एक बार फटाफट से शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इससे आपके जो भी क्लासेस वगैरह होती है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाया करेंगे। और साथ ही साथ हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा, ऐप इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री में भी आपको मिल सकता है, प्लस उसके साथ क्विज वगैरह भी आपको रहेंगे, प्लस के साथ जो भी हमारा ऑफर होता है उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो ऐप पे आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से और सबसे पहले सेशन समरी हम लोग जानेंगे, कोट ऑफ द डे से दिन की शुरुआत करेंगे। रिवीजन वोकैब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजेस एंड इडियम्स, एडिटोरियल वोकैब, एडिटोरियल एनालिसिस, ग्रामर टिप्स, इतनी सारी चीजें हर रोज हम लोग करते हैं, आज भी हम लोग यहां पे करने वाले हैं एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। आपका अपना एडिटोरियल सेशन जो है इज बैक ऑन ट्रैक, स्टार्ट करते हैं आज का कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे, मुझे नहीं लगता इस माहौल में, इन परिस्थितियों में इससे बढ़िया कोट ऑफ द डे जो है कोई हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने कोट ऑफ द डे, आप देख सकते हैं कि द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलर स्टेप्स, आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के, आप देखिए छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के अभी वो कहां पे पहुंच गया, बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया, लेकिन एक व्यक्ति जिसने सोचा था कि पहली छलांग वो बड़ी छलांग लगाएगा वो अभी तक स्टार्ट भी नहीं कर पाया है। मतलब आपका सिर्फ दोस्तों ये है कि इस तरीके के ये जो बी है ना, ये जो व्यक्ति बी है, ये बी तरीके के लोग हमारे इर्द गिर्द एस्पिरेंट्स में भी बहुत सारे हैं, क्योंकि दिमाग उस समय काम करना बंद कर देता है, ठीक है, कि क्या करें। सबसे पहले ये होता है कि मतलब भाई एकदम बड़ी बड़ी छलांग लगाने और पूरा बड़ा बड़ा टारगेट अचीव करना है, ठीक है। इस चीज़ को अचीव करने के चक्कर में ना हम लोग स्टार्ट भी नहीं कर पाते दोस्तों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि
बड़ा जो टारगेट होता है ना उसको पाने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स जो है वो सेट करने पड़ते हैं। बड़ा टारगेट पाने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स आपको सेट करने पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने बड़े टारगेट के कितने नजदीक आ जाते हैं। आप देखिए कितने नजदीक आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं पूरा बड़ा बड़ा ही लक्ष्य हमको पार करते हुए जाना है तो आप स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। हर दिन छोटा छोटा प्रोग्रेस। सक्सेस और कुछ नहीं है दोस्तों, सक्सेस इज द सम टोटल ऑफ प्रोग्रेस दैट यू एक्चुअली अचीव ईच डे। सक्सेस कुछ है नहीं, सक्सेस जो है वो सम टोटल है उन सारे एडवांसमेंट का, उन सारे प्रोग्रेसेस का, है ना, उस सारे इंप्रूवमेंट का सम टोटल है जो आप हर दिन थोड़ा 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 करते हुए चलते हैं, है ना। तो हर दिन इंप्रूव करिए बजाय इसके कि सात दिन बिल्कुल जीरो और आठवें दिन 24 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर दिन थोड़ा 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 पढ़िए, स्टार्ट करिए, चीजें बिल्कुल सही होंगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेकिन डिसीजन सही लेना है, कौन सा डिसीजन क्या करना है वो डिसीजन आपको बिल्कुल सही लेना है। और इसलिए ध्यान रखिएगा ऑफर ऑफ द डे, आज का ऑफर ऑफ द डे सिर्फ आज के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्पेशली जो लोग एसबीआई क्लर्क कैंडिडेट हैं या आगे की जितने भी एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है, ऑफर ऑफ द डे क्या है, फ्लैश सेल ओनली फॉर टुडे, केवल आज के लिए है। ये बैच आपका 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और इस बैच की प्राइस ओनली फॉर टुडे आपकी आएगी 999 पे। कोड आपको इस्तेमाल करना है Y194। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है, प्री प्लस मेंस। कभी भी इस तरीके का लाइफ टाइम ऑफर आपको नहीं मिल सकता है दोस्तों, ठीक है, कभी भी नहीं मिल सकता है। प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच है, 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है। सारे वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, सारा पीडीएफ अपलोड हो चुका है, सिर्फ एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको जो है वो मिल रहा है 999 पर, इसके एक्चुअल प्राइस जो है वो है आपकी 1319, है ना। तो आज फ्लैश सेल है और आज पूरे दिन भर रहेगी, ये कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा Y194, तभी इसी कोड पे ही आपको ये 6 अप्रैल से जो बैच स्टार्ट हुआ है उड़ान 1.0 वो आपको 999 पे मिल सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी तक जिन्होंने नहीं लिया है इस ऑफर का फायदा उठाएं, ओनली फॉर टुडे, ठीक है। और ये आपका ESIC UDC मेंस का बैच, आप देख सकते हैं UDC फेज 2 का बैच है, ये 15 अप्रैल से हमारा शुरू होगा। फटाफट से कोड इस्तेमाल करिए और इस बैच को ज्वाइन करना है, जितने भी लोगों ने UDC एग्जामिनेशन फेज 1 आप जो है वो क्लियर कर लिया है, ठीक है, फटाफट से। और अगर आप सोच रहे हैं नहीं सर सिर्फ एक ही बार करें, उसमें उड़ान आ जाए, उसमें यूडीसी मेंस का आपका आ जाए, आरबीआई असिस्टेंट मेंस आ जाए, सारे टेस्ट सीरीज आ जाए, आगे का आने वाले एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, ये सब कुछ आ जाए, तो आपको सिर्फ बैंक महापैक जो है वो लेना है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन या फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन, और बस, और सारा का सारा काम आपका हो गया, कुछ नहीं है। और वैसे भी इसकी फीस 10,000 कुछ नहीं है, ठीक है, इसकी फीस आपको जो है वो 3959 सिर्फ इतना है, और आप पूरा 1 साल की वैलिडिटी वाला यहां पे ले सकते हैं या फिर 2 साल की वैलिडिटी वाला, तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 20 रिवीजन वर्ड्स की तरफ, ठीक है, 20 रिवीजन वर्ड्स की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। पहला वर्ड आज का आपके सामने आ गया है हफी, HUFFY, 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 हफी, ठीक है। अच्छा, हफी की मीनिंग आपकी होती है क्रोधी या फिर एंग्री, क्रोधी एंग्री बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है करफफल, नेक्स्ट है करफफल। इस वर्ड को जब भी मैं पढ़ता हूं मुझे मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि करफफल, कर भला, कर भला, ऐसे कुछ हमेशा याद आता है मुझे। करफफल की मीनिंग आपकी होती है बहस या फिर आर्ग्यूमेंट, उसको हम बोल सकते हैं करफफल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज असर्टेन, नेक्स्ट वर्ड इज असर्टेन, ध्यान रखना असर्टेन, ASCERTIN, असर्टेन, असर्टेन, फटाफट से असर्टेन। अच्छा, असर्टेन की मीनिंग आपकी क्या होगी, असर्टेन का मतलब आपको होता है पता लगाना या फिर इंक्वायर करना, जांच, जांच करना, पता लगाना, खोज करना, दैट इज असर्टेन। नेक्स्ट वर्ड इज अबियंस, नेक्स्ट वर्ड इज अबियंस, नेक्स्ट वर्ड इज अबियंस, ABEYANCE, ABEYANCE, अबियंस, ABEYANCE, अबियंस। अच्छा, अबियंस का मतलब होता है निलंबन या फिर पोस्टपोनमेंट, कोई भी एक चीज, कोई भी एक ऐसा जो बिल्कुल पोस्टपोनमेंट चला गया, एकदम निलंबन में चला गया, है ना, कब होगा वो, कब नहीं होगा, कुछ पता नहीं है उसका, तो उसको बोल सकते हैं अबियंस, ABEYANCE। नेक्स्ट वर्ड इज लाइसेंशियस, है ना, इसके 3 हमने सिनोनिम बताए थे, एक तो आपका था लाइसेंशियस, एक मैंने बताया था लेचरस, एक मैंने बताया था लैसीवियस, है ना, ये तीनों सिनोनिम है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों आपके सिनोनिम है, लाइसेंशियस, लेचरस और लैसीवियस। मतलब क्या होता है, फिल्ड विद सेक्सुअल डिजायर, है ना, बिल्कुल एकदम, मतलब कामुक जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज नॉन चैलेंट, नेक्स्ट वर्ड इज नॉन चैलेंट, नेक्स्ट वर्ड इज नॉन चैलेंट, फटाफट से।
नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉन चैलेंट, फटाफट से बताएं क्या होगा। चलो, नॉन चैलेंट की मीनिंग आपकी होती है उदासीन या फिर डिसइंटरेस्टिंग, मतलब एकदम फर्क ही नहीं पड़ता उसे इस चीज का, है ना, एकदम भी फर्क नहीं पड़ता। उसे तो कह रहे हैं ठीक है, होगा तो हो गया, बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बढ़िया है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, उसको हम बोल सकते हैं नॉन चैलेंट, एकदम एक केयरलेस एटीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेसीडुअस, नेक्स्ट इज डेसीडुअस, नेक्स्ट इज डेसीडुअस। अच्छा, डेसीडुअस का मतलब होता है झड़ने वाला, फॉलिंग जिसे हम बोल सकते हैं, झड़ने वाला या फिर फॉलिंग, बिल्कुल एकदम। डेसीडुअस फॉरेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है ना, डेसीडुअस ट्रीज मतलब क्या होता है कि ऐसे पेड़ मतलब जिनकी पत्तियां पूरे एक टाइम पे एकदम पूरी की पूरी झड़ जाती है, डेसीडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज स्नैग, एस एन ए जी, स्नैग, एस एन ए जी, स्नैग, एस एन ए जी, स्नैग। चलो, स्नैक की मीनिंग आपकी क्या होगी, स्नैक का मतलब आपको होता है रोड़ा, ऑब्स्टेकल, हमारे रास्ते का जो है वो रोड़ा कौन है, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो किसी के भी इतनी मजाल नहीं है कि आपके जो प्रोग्रेस के रास्ते में कोई रोड़ा जो है वो बन जाए, है ना। तो स्नैक का मतलब रोड़ा, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट है कैलो, सी ए डबल एल ओ डब्ल्यू, सी ए डबल एल ओ डब्ल्यू, कैलो। ये सारे वर्ड्स कल हम लोग ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, कैलो, सी ए डबल एल ओ डब्ल्यू, कैलो, सी ए डबल एल ओ डब्ल्यू, कैलो। कमेंट बॉक्स में थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, सेशन को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर, थोड़ा सा मतलब क्या होता है, सेशन को लाइक एंड शेयर करिए सारे के सारे लोग, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो जिस टाइम भी देख रहा है प्लीज चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना यार, ठीक है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करिए, ये बहुत बहुत सारा कुछ दे रहा हूं, मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे एस्पिरेंट जिनकी इंग्लिश वीक है ना, ये एडिटोरियल सेशन भी उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जो जो चीजें मैं इसमें आपको दे रहा हूं, जिन जिन चीजों को इंप्रूव कराने की कोशिश कर रहा हूं, उसके इंप्रूवमेंट होने से, उनके अगर इंप्रूव होने से आपकी पूरी ओवरऑल इंग्लिश काफी इंप्रूव होगी। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए यार, आप सारे के सारे थोड़ा सपोर्ट करिए, जरूरत है आपके सपोर्ट की, अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा, है ना। तो देखो, कैलो का मतलब आपको क्या हो गया कि अनुभवहीन या फिर इनएक्सपीरियंस, जिसे मैं बोल सकता हूं अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट वर्ड है टेमेरिटी, T-E-M-E-R-I-T-Y, टेमेरिटी, टेमेरिटी, T-E-M-E-R-I-T-Y, टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब आपको होता है दुस्साहस, बोल्डनेस जिसे हम बोल सकते हैं, दुस्साहस, है ना, बिल्कुल एकदम, ये करने का तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं टेमेरिटी। नेक्स्ट वर्ड है एंटी डाइल्यूवियन, एंटी डाइल्यूवियन, नेक्स्ट वर्ड इज एंटी डाइल्यूवियन, एंटी डाइल्यूवियन, नेक्स्ट वर्ड इज एंटी डाइल्यूवियन। एंटी डाइल्यूवियन का मतलब होता है बिल्कुल एकदम क्या बोल सकते हैं, एकदम पुरातन पंथी, ओल्ड फैशन जिसे हम लोग बोल सकते हैं ना, बिल्कुल एकदम पुराने विचारों का, उसको बोल सकते हैं एंटी डाइल्यूवियन, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ड्रैकोनियन, नेक्स्ट इज ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन बोलने से लग रहा है ना जैसे कि बोले एकदम ड्रैगन, ड्रैगन होगा या बिल्कुल एकदम कोई भयानक समुद्री जीव होगा, है ना। सो ड्रैकोनियन का मतलब आपको हो गया बिल्कुल एकदम कठोर, टफ, सीवियर, हार्श, उसको हम बोल सकते हैं ड्रैकोनियन रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस रिमार्क्स, इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस, फटाफट से दोस्तों, इग्नोमिनियस का मतलब होता है अपमानपूर्ण या फिर इंसल्टिंग, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है टिजी, T-I-Z-Z-Y, टिजी, T-I-Z-Z-Y, टिजी, T-I-Z-Z-Y, टिजी, ये एक नाउन है, टिजी, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज अ नाउन एंड द मतलब ऑफ टिजी इज घबराहट, है ना, घबराहट या फिर नर्वसनेस, उसको बोल सकते हैं टिजी। नेक्स्ट वर्ड इज एपोप्लेक्टिक, एपोप्लेक्टिक, क्या होता है एपोप्लेक्टिक, नेक्स्ट वर्ड इज एपोप्लेक्टिक। अच्छा, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, आई सपोज, ये वाला लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एपोप्लेक्टिक, एपोप्लेक्टिक का मतलब होता है बिल्कुल एकदम आग बबूला, एकदम फ्यूरियस, है ना, एकदम आग बबूला, बिल्कुल फ्यूरियस, गुस्से से एकदम लाल हो जाना, एकदम जिसको बोल सकते हैं आग बबूला, दैट इज फ्यूरियस। नेक्स्ट वर्ड इज एस्फिक्सिएट,
नेक्स्ट वर्ड इज एस्फिक्सिएट. नेक्स्ट वर्ड इज एस्फिक्सिएट. एस्फिक्सिएट नेक्स्ट वर्ड है एस्फिक्सिएट. चलो एस्फिक्सिएट का मतलब आपको होता है बिल्कुल दम घुट जाना, गला घुट देना, सफोकेट हो जाना, उसको बोलते हैं एस्फिक्सिएट. ठीक है, बहुत शानदार वर्ड है. अब सफोकेट वर्ड इतना यूज नहीं होता, स्ट्रैंगल वर्ड यूज होता है. ठीक है, एस्फिक्सिएट वर्ड यूज होता है, स्मॉदर वर्ड यूज होता है. अब ये सारे वर्ड यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा सेम के. नेक्स्ट हैगार्ड, एच ए डबल जी ए आर डी, 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 हैगार्ड. हैगार्ड का मतलब आपको होता है थका हुआ, टायर्ड, एकदम थका हुआ या फिर टायर्ड. ठीक है, एग्जॉस्टिव भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज लैग्नियापे. नेक्स्ट वर्ड लैग्नियापे, ये एक नाउन है. ठीक है, ये एक नाउन है लैग्नियापे. क्या मीनिंग होगी लैग्नियापे की? लैग्नियापे, देखो लैग्नियापे का मतलब आपको होता है भेंट या फिर गिफ्ट. ठीक है, कोई भी प्रेजेंट, भेंट, गिफ्ट फ्री में आपको दिया जाने वाला. ठीक है, वो धनिया पत्ता और वो हरी मिर्च जो आपको बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा सामान ले लेते तो दुकानदार जो थोड़ा सा दे देता डाल के, आपको लगता है अरे यार मुझे ही ज़बरदस्त ट्रीट कर रहा है ये. नेक्स्ट वर्ड इज कंज्यूमेशन. नेक्स्ट वर्ड इज कंज्यूमेशन. नेक्स्ट वर्ड इज कंज्यूमेशन. नेक्स्ट वर्ड इज कंज्यूमेशन. अच्छा, कंज्यूमेशन के मीनिंग क्या होती है? कंज्यूमेशन का मतलब होता है समाप्ति या फिर एंड, है ना. लास्ट वर्ड है परडिशन, पी आर डी आई टी ओ एन, परडिशन, परडिशन, पी आर डी आई टी आई ओ एन, परडिशन, पी आर डी आई टी आई ओ एन, परडिशन. ठीक है, परडिशन. अच्छा, परडिशन की मीनिंग आपकी क्या होगी? विनाश या फिर डिस्ट्रक्शन, उसको हम लोग बोल सकते हैं परडिशन, विनाश, कैटास्ट्रोफे, डिस्ट्रक्शन. ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं. अब हम लोग आ गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ. ठीक है, किसके तरफ आ गए? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ आ गए. अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने से पहले दोस्तों आप लोग सब ध्यान रखिएगा कि एडिटोरियल के लिए आप जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं. जितने भी लोग हैं एडिटोरियल के लिए सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा, सारा का सारा लिंक वगैरह, ये सारा का सारा जो भी चीज़ें आप वहाँ पे जो है वो ले सकते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, ध्यान रखिएगा. चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आगे हम लोग बढ़ते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का देखो क्या लिखा हुआ है, द टीचिंग एडवाइस और इंस्ट्रक्शन दैट वन पर्सन गिव्स टू अनदर. क्या बोला जा रहा है कि द टीचिंग एडवाइस और इंस्ट्रक्शन दैट वन पर्सन गिव्स टू अनदर. टीचिंग हो गया, सबक हो गया, एडवाइस हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, जो कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्यूटिलेज. ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? टीचिंग एडवाइस इंस्ट्रक्शन दैट वन पर्सन गिव्स टू अदर्स, उसको हम बोलेंगे ट्यूटिलेज. ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने अ क्विक इंटेलिजेंट एंड फनी रिप्लाई टू अ क्रिटिसिज्म. ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि किसी भी एक क्रिटिसिज्म का एक बहुत ही फनी सा तुरंत हाजिर जवाब रिप्लाई देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोल सकते हैं रिपोस्टे. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रिपोस्टे. ये वर्ड्स बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वर्ड है आपके लिखा हुआ है कि वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज यूनियन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स. मतलब ये हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि ईश्वर कण कण में है और हर एक कण जो है वो ईश्वर में है, है ना. गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन गॉड, है ना. ये जो प्रिंसिपल पे विश्वास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैनथीस्ट. उसको हम लोग बोलते हैं पैनथीस्ट. क्या बोलेंगे उसको हम लोग दोस्तों? उसको हम लोग बोलेंगे पैनथीस्ट. ठीक है, तो आज तीन वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े वन वर्ड्स में. पहला हम लोगों ने पढ़ा पैनथीस्ट, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला हम लोगों ने पढ़ा पैनथीस्ट, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? दूसरा हम लोगों ने पढ़ा आपका जो ट्यूटिलेज. दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ट्यूटिलेज. ठीक है, जो पूरा का पूरा सबक, पूरा का पूरा एक आपको कोई गाइडेंस वगैरह, ये सब कुछ मिला करके जो एक चीज़ होती है. ठीक है, जैसे कि आपको राम और लक्ष्मण जी, क्या आई थिंक शायद विश्वामित्र जी उनको ले गए थे अंडर हिज ट्यूटिलेज. वो पूरा का पूरा धनुर्विद्या सीखे, पांडव कौरव वो अंडर द ट्यूटिलेज ऑफ द्रोणाचार्य. समझ में आ गया? तो पैंथिस्ट हो गया, ट्यूटिलेज हो गया, और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है रिपोस्टे, क्विक रिप्लाई. ठीक है, चलिए तो ये हो गया. अब हम लोग आते हैं पांच idioms and phrases और phrasal verb की तरफ. तो आज के आपको कुछ phrasal verb भी मिलेंगे, कुछ idioms भी मिलेंगे. पहला phrasal verb आप सब लोगों के सामने आया हुआ है meet out. क्या लिखा हुआ है? meted out. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? meted out. देखो meet out, इसका जो first form है ना,
ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म होगा मीट आउट, M-E-T-E। मीट आउट का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं मीट आउट। मीट आउट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। दूसरा है हैंड आउट। हैंडिंग आउट का मतलब होता है कोई भी चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, कोई भी चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं हैंड आउट। कोई भी चीज आप किसी को दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज हैंड आउट। लेकिन कोई भी चीज आप क्या करिए, सब में इक्वल 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 जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे मीट आउट। नेक्स्ट वर्ड है द चिप्स आर डाउन, ठीक है, द चिप्स आर डाउन। डोंट टॉक टू मच व्हेन द चिप्स आर डाउन, है ना, जब आप कठिन परिस्थितियों में ना, तो ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शांत रहिए, है ना, तो इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक। चेजिंग रेनबोज, अच्छा चेजिंग रेनबोज का मतलब क्या होता है? Some people think that one who is weak in English, कोई भी एक ऐसा aspirant जो कि English में weak है, qualifying SBI PO is like chasing rainbows. उसके लिए SBI PO जो है वो qualify करना chasing rainbows की तरह के, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ weak है ना उसको improve करना है यार, जो चीज़ वीक है उसको इम्प्रूव करना है, इसीलिए तो हम हैं, इसीलिए तो आपके सामने ये सारी YouTube के क्लासेस लिए जा रहे हैं, आपके सामने पेड बैचेस हैं, आपके सामने सारी की सारी चीज़ें। जो चीज़ वीक है उसको इम्प्रूव करिए, तभी तो चीजें होंगी ना, आपके पास मौका तो है ही। और सबसे बड़ी बात है ना कि हमारी बातें सुना करो दोस्तों। हमने अब हम लोग कह ही रहे थे ना कि RTA की तरफ से रिप्लाई आया ESIC का, 30 तारीख को एग्जाम है, रिजल्ट आउट हो गया कल रात को। यही बात हम पहले कह रहे थे कि पहले से आप मेंस की प्रैक्टिस करना शुरू करिए, तो ना, जब रिजल्ट निकलेगा तब हम स्टार्ट करेंगे। आप 15 दिन में क्या करोगे, है ना। चलो, तो चेजिंग रेनबोज का मतलब होता है ट्राइंग इम्पॉसिबल थिंग्स। नेक्स्ट है आपका इन टैंडम। इन टैंडम का मतलब होता है अलॉन्ग साइड ईच अदर। इन टैंडम का मतलब होता है साथ साथ, है ना। हार्डवर्क एंड पेशेंस वर्क इन टैंडम टू गेट सक्सेस। हार्डवर्क और पेशेंस, ये दोनों इन टैंडम काम करते हैं, साइमल्टेनियस काम करते हैं सक्सेस लेने के लिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब हम लोग चलते हैं आज के एडिटोरियल वोकैब की तरफ, ठीक है, आज के एडिटोरियल वोकैब की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग हैं, फ्लैश सेल सिर्फ आज के लिए, ऑफर ऑफ द डे, बहुत शानदार है। हर वो व्यक्ति जो कि इंग्लिश में वीक है, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है ये, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच है, है ना, कंप्लीट बैच है प्री प्लस मेंस का, और बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर के आपको मेंस लेवल तक मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो कि इस बैच में ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वो मुझे बताएंगे कि किस तरीके का कॉन्सेप्चुअल जबरदस्त है। और नाउन के 90 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें किए हैं, 90 क्वेश्चन मैं आपको इसमें दे चुका हूं नाउन्स के, और हर चैप्टर के मैं आपको 80-90 इस तरीके के क्वेश्चन देता रहूंगा। जबरदस्त बैच है यार, मैं इस बैच के बारे में और क्या बोलूं, ठीक है। 6 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, आज के लिए सिर्फ इसकी प्राइस है 999, जबकि इसकी प्राइस आपकी है कल बढ़ जाएगी 1319 आपकी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। सो फ्लैश सेल है आज के लिए, लेकिन ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इसी कोड पे यूज करने से, Y1944999 पे, ठीक है। प्री प्लस मेंस का बैच है, और आपको मिलूंगा मैं कब, मंडे टू फ्राइडे। इसकी क्लास आपकी होती है मंडे टू फ्राइडे 1 PM, तो आज भी दोपहर के 1 बजे आप सब लोगों का स्वागत है इस बैच में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे ESIC UDC MTC MTS UDC का मेंस का बैच, ठीक है, क्योंकि एग्जाम 30 अप्रैल को है, तो UDC का मेंस का बैच 15 अप्रैल से हमारा शुरू होने जा रहा है। मेंस का बैच ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग शुरू कर रहे हैं, हर दिन 15 से लेकर के डायरेक्ट 29 तक आपकी क्लास होगी, ठीक है। सेम कोड यूज करना है, और ये है वो बैच, जल्दी से जाइए टाइप कर लेना ESIC UDC, ठीक है, फेज 2, तुरंत ये बैच आपको आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा फाउंडेशन का बैच, जो लोग बिगिनर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, SBI के लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तुरंत के तुरंत ये रहा फाउंडेशन बैच, चारों का तुरंत इसको ज्वाइन करिएगा, सेम कोड आपको अप्लाई करना है। और अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाए, ये सारी चीजें मेंस के प्री के ये सारा का सारा आपको एक ही जगह पर मिल जाए, तो आप बैंक का महापैक ले सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी वाला भी है, 2 ईयर की वैलिडिटी वाला भी है। इसको अगर आप एक बार ले लेते हैं तो फिर पूरा का पूरा खत्म ही हो जाता है सारा झमेला, सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। Y194 अड्डा का महापैक भी है, इसको भी आप ले सकते हैं, तो सारा का सारा SSC रेलवे बैंक वो सब आपका अड्डा का महापैक में आ जाएगा। अलग अलग फिर से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेस्ट सीरीज, स्पोकन, GD इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव, प्री मेन, सारा फाउंडेशन, हाई लेवल सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग आ गए अब आज के एडिटोरियल वोकैब की तरफ, ठीक है, आज के एडिटोरियल वोकैब की तरफ। पहला वर्ड आप सब लोगों के सामने लिखा हुआ है एनक्रोचमेंट। क्या लिखा हुआ है? एनक्रोचमेंट। देखो ये नाउन है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है एनक्रोच। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? एनक्रोच, ठीक है। एनक्रोच का मतलब होता है जबरदस्ती, जो है ना, किसी के मामले में घुस जाना, जबरदस्ती किसी के बाउंड्री में घुस जाना, दखल अंदाजी करना, घुसपैठ करना, उसको हम बोल सकते हैं एनक्रोचमेंट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनक्रोचमेंट। जैसे कि
जैसे हम बोल सकते हैं कि सेवरल एंटी सोशल्स, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेवरल पाकिस्तानी सोल्जर्स वेर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स मेनी पाकिस्तानी सोल्जर्स वर अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ एनक्रोचमेंट. ठीक है, एनक्रोचमेंट के चार्जेस पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को, इंडियन जो आपके बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहे थे. दखल अंदाजी, इंटरवेंशन, इंटरफेयर, इन्वेजन, ये सब आपके सेम मीनिंग में होंगे, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वर्ड है स्पेयर, SPARED, स्पेयर्ड, वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म है. ठीक है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है क्योंकि इसका मतलब होता है क्षमा करना. ठीक है, क्षमा करना, जाने देना, फ्री जाने देना, फ्री जाने देना, क्षमा करना, ठीक है, या फिर बचा ले जाना, है ना, उसको हम बोल सकते हैं, या फिर बख्शा जाना, उसको हम बोल सकते हैं स्पेयर्ड. ये एक्चुअली निकला कहां से, देखो स्पेयर्ड जो है वो वर्ब होने से पहले स्पेयर टाइम हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा डू यू हैव एनी स्पेयर टाइम, मतलब बचा हुआ टाइम है कोई, खाली टाइम है कोई, फ्री टाइम है कोई, तो वहां से इसका वर्ब निकला स्पेयर्ड. तो बोला क्या गया आज के एडिटोरियल में कि दोज हु, ठीक है, जैसे अभी हम एग्जांपल अगर इसका लिखेंगे तो क्या लिखोगे, दोज हु डू नॉट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, दोज हु डू नॉट ओबे द ट्रैफिक रूल्स. तो डू नॉट ओबे क्यों बोलोगे, तीन वर्ड, एक ही वर्ड बोल दो, दोज हु violate the traffic rules, those who violate the traffic rules will not be spared, उनको बख्शा नहीं जाएगा, will not be spared, है ना, will not be spared. इसके पहले की जो सरकार थी, ठीक है, इसके पहले की सरकार, जितने भी सरकारें थी सब डायलॉग में ही उस्ताद, ठीक है भाई, कॉमन पीपल हम लोग देखते हैं भाई न्यूज़पेपर में, बख्शा नहीं जाएगा सर, पानी सर से ऊपर उठ चुका है, हम लोग अब, हम भी जानते हैं बर्दाश्त करने की इम्तहान है, भारत को कमजोर ना समझा जाए, इसको बख्शा, खाली डायलॉग बाजी, है ना, इसके पहले जो भी अगर इधर उधर के कभी भी कुछ भी आक्रमण होता था, कभी भी कुछ भी सैनिकों के ऊपर जुल्म होता था, बॉर्डर में घुस जाते थे लोग आकर इधर उधर के, तो यही केवल डायलॉग होती थी. ये सरकार जो है, ठीक है, तो स्पेयर्ड का मतलब क्षमा करना, सेट फ्री, ठीक है, क्षमा करना, सेट फ्री, एक्सक्यूज हो सकता है या फिर पार्डन हो सकता है. देखो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को बैकअप नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ अपने मदरलैंड के बारे में कह रहा हूं, अपने मदरलैंड के बारे में कह रहा हूं यार, ठीक है, तुम्हारे देश में जबरदस्ती घुसना, मतलब ये जब हम लोग मानते हैं कि हमारी मातृभूमि है तो जाहिर सी बात है यार, कौन बर्दाश्त करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसी चीज के लिए ही हमारे सोल्जर्स हैं, तो मारो पकड़ करके, एकदम बिल्कुल सही है, एकदम उसमें कोई हानि ही नहीं है इस चीज में, है ना, तो ये सबके साथ होना चाहिए, सारे कंट्रीज के साथ, सारे कंट्रीज के साथ, हर सरकार को करना चाहिए ये चीज, ठीक है, तो यहां पे ये मीनिंग आ गई. नेक्स्ट है आपका डेमोलिशन. देखो इसका जो नाउन फॉर्म है ये डेमोलिशन, सॉरी ये इसका नाउन फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ये इसका नाउन फॉर्म है डेमोलिशन. इसका जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है डेमोलिश. इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है, वो होता है डेमोलिश. डेमोलिश की मीनिंग आपकी होती है विध्वंस या फिर ऑनरेबल. डेमोलिश का मतलब आपको क्या होता है, विध्वंस या फिर ऑनरेबल, सॉरी अरे यार डिस्ट्रक्शन होगा ना, मैं वही सोच रहा हूँ, दिमाग में कुछ और चल रहा है, विध्वंस या फिर ऑनरेबल कैसे हो गया, डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, एनाइहिलेशन, है ना, डेसिमेशन, ये एक बहुत बढ़िया वर्ड है, एक और ले लो आप, है ना, डेसिमेशन, उसको बोल सकते हैं डेमोलिशन. जैसे कि द डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद caused many riots in India. बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस है, जो गिरना है, ठीक है, उसका जो तोड़ फोड़ है, बहुत सारे दंगों को उसने जन्म दिया. सो डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, ठीक. इंस्टेंस, अच्छा इंस्टेंस की मीनिंग आपकी होती है उदाहरण या फिर एग्जाम्पल. जैसे हम बोल सकते हैं कि हाउ टू हैंडल सक्सेस, हाउ टू हैंडल सक्सेस, सचिन एंड रॉजर फेडरर आर द बेस्ट इंस्टेंसेस ऑफ इट. मतलब किस तरीके से सक्सेस को शांति से, किस तरीके से उसको जो है वो क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, सचिन और रॉजर फेडरर इसके बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है. बिकॉज वो जो है ना, कभी अपने शब्दों से कभी भी रिप्लाई नहीं करते, वो अब हमेशा अपने काम से रिप्लाई करते हैं. वो शब्दों से कभी रिप्लाई नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने काम से रिप्लाई करते हैं, और इससे बेहतर रिप्लाई मुझे नहीं लगता कि कोई होगा. तो इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण या फिर एग्जाम्पल, पैराडाइम, है ना, पैराडाइम, प्रीसीडेंट, एग्जाम्पल जिसे हम बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड है आपका एडजेसेंट. एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल संलग्न, सटा हुआ, है ना, एकदम सटा हुआ. जैसे हम बोल सकते हैं कि माय हाउस इज एडजेसेंट टू योर्स. तो एडजेसेंट के बाद हमेशा टू लगता है प्रपोजिशन, ध्यान रखिएगा, मतलब बिल्कुल सटा हुआ, नियर, एडजॉइन या फिर बिसाइड, ये वाला सेंस इस्तेमाल होगा. तो पहला आपका स्लाइड ये हो चुका है. दूसरी स्लाइड पर हम लोग आते हैं. दूसरी स्लाइड का पहला वर्ड आप सब लोगों के सामने लिखा हुआ है आउटफिट. क्या लिखा हुआ है, आउटफिट. देखो आउटफिट के दो मीनिंग होते हैं. पहला मीनिंग आपको यहां लिखा हुआ है, ठीक. दूसरी आपकी पहली मीनिंग हम डिस्कस कर लेते हैं. पहला मीनिंग आपको लिखा हुआ है आउटफिट का मतलब आपको होता है
कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संगठन, उसको हम बोल सकते हैं संगठन, उसको हम बोल सकते हैं आउटफिट. ऑल द टेरर आउटफिट्स, ऑल द फंडिंग ऑफ ऑल टेरर आउटफिट्स मस्ट बी स्टॉप्ड. जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं, आतंकी संगठन है, उन सबकी जो फंडिंग है वो रोक देनी चाहिए. ठीक है, सुसंगठन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एंटरप्राइज हो गया, कंपनी हो गया. इसके जो दूसरी मीनिंग है आउटफिट की, उसका मतलब होता है पोशाक, है ना. जैसे हम बोल सकते हैं कि ओके लुक एट द बिजनेसमैन, हिज आउटफिट इज वेरी नाइस, मतलब उसकी जो पोशाक है ना जबरदस्त है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बॉयकॉट, है ना. बॉयकॉट का मतलब आपको होता है बहिष्कार, बैन. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इन ऑर्डर टू गेट फ्रीडम, इन ऑर्डर टू गेट इंडिपेंडेंस, सेवरल पार्टीज अनाउंस्ड फॉर अ बॉयकॉट ऑफ ऑल फॉरेन आइटम्स, है ना. जैसे क्या था, स्वदेशी आंदोलन था ना, गांधी जी ने चलाया था, आई थिंक 1920 या 1930 में ऐसे कुछ चलाया था, उसी के आसपास, एग्जैक्टली याद नहीं है. तो स्वदेशी जो आंदोलन था वो क्या था, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन थिंग्स, फॉरेन आर्टिकल्स. तो वही था आपका बॉयकॉट, बहिष्कार करना, बैन, मोराटोरियम, प्रोहिबिशन, निषेध, जिसको हम लोग बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है डिसमिनेशन. द इंग्लिश केम टू इंडिया, ठीक है ना, द इंग्लिश केम टू इंडिया फॉर द डिसमिनेशन ऑफ देयर बिजनेस, है ना. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में जो भी आई, एक्चुअली किस लिए आई थी, वो अपना व्यापार जो है वो प्रसार करने आई थी. ठीक है, व्यापार जो है वो प्रसार करने आई थी. वहां से व्यापार करते करते अंग्रेजों ने राज कर लिया हमारे ऊपर 200 साल. आप सोच सकते हो, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, कहां होता भारत आज. डिसेमिनेशन, प्रसार या फिर स्प्रेडिंग, जैसे सर्कुलेशन बोला हमने, डिस्पर्सल बोला. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज टेनोर. अच्छा, टेनोर का मतलब आपका होता है मीनिंग, आशय, बोध, चेतना, उसको हम बोल सकते हैं. जैसे कि अभी अगर हम बोले कि अटल जीज स्पीच इन द पार्लियामेंट, जब सिर्फ एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, तो द स्पीच, हिज स्पीच हैड अ वेरी डीप टेनोर. बहुत ही डीप मीनिंग उनके स्पीच का था, बहुत ही आशय जो था, बहुत ही एक क्या बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस उसमें था. ठीक है, एक बहुत ही गजब सा एक ट्रेंड था उसमें. ठीक है, एक बोध थी, एक चेतना थी, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं टेनोर, आशय, मीनिंग. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रीट, DISCRET. डिस्क्रीट का मतलब आपको होता है विचारशील, डिस्क्रीट, है ना, डिस्क्रीट मैनर. जैसे हमने अभी बोला कि ओके फाइन, देयर आर ओनली 100 पोस्ट्स एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 1 लाख. नाउ द मैनेजमेंट हैज टू अडॉप्ट अ डिस्क्रीट मैनर, द मैनेजमेंट हैज टू अडॉप्ट अ डिस्क्रीट मैनर टू बैलेंस इट. ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए एक डिस्क्रीट मैनर चाहिए, एक विचारशील मैनर, एक बहुत ही निर्णयात्मक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, काफी ज्यादा वाइज, काफी ज्यादा इंटेलेक्ट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, सर्कमस्पेक्ट, कंसिडरेट, उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट मैनर, मतलब काफी सोच विचार करके. ठीक है, तो ये 2 स्लाइड आज के आपके एडिटोरियल के हो गए. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट के लिए. पहला वर्ड है रिडोलेंट. रिडोलेंट का मतलब आपका होता है, रिडोलेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है. और रिडोलेंट की मीनिंग आपकी होती है सुगंधित. क्या मीनिंग आपकी होती है, सुगंधित या फिर बिल्कुल फ्रैग्रेंट, है ना, एकदम सुगंधित. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि द ब्राइड्स परफ्यूम, है ना, द ब्राइड्स परफ्यूम मेड द एंटायर रूम रिडोलेंट, है ना. जो ब्राइड के, जो दुल्हन की जो परफ्यूम थी, ठीक है, उसने पूरे के पूरे कमरे को रिडोलेंट बना दिया, सुगंधित बना दिया, पूरा एकदम एरोमेटिक बना दिया, परफ्यूम्ड बना दिया. ठीक है, कल जो है ना, पता है मुझसे मेरा बेटा जो है उसे एक वर्ड पूछ रहा था कि पापा एक वर्ड बताइए, सेंट का सिनोनिम क्या होता है ना, सेंट का, SCENT, सेंट का. ठीक है, तो मैंने उससे बोला कि भाई सेंट का सिनोनिम क्या होगा, फ्रैग्रेंस होगा और अरोमा होगा. तो बोला कि पापा एक सही जवाब एक गलत जवाब, है ना. तो मैंने बोला क्यों गलत जवाब, तो बोला है कि सेंट का जो मतलब होता है ना, मैंने SCENT बोला ही नहीं है, मैंने SAINT बोला है, सेंट, है ना. तो मैंने कहा अच्छा सेंट बोले हो, अच्छा चलो ठीक है, मुझे लगा ये बोले हो. तो फिर मैंने बोला कि अच्छा सेंट का जो सिनोनिम होता है वो होगा मंक, MONK, मंक हो गया, नन्स हो गया, NUNS. तो बोला गलत पापा. हमने फिर क्या हुआ, बोला मैंने SENT बोला है, SENT बोला है. मैंने कहा फोन रखो, ठीक है, फोन जल्दी से रखो तुम. ठीक है, तो फाइनली ही ड्रॉप्ड द फोन, है ना. तो सेंट ये इस तरीके से था. कल एक्चुअली इस तरीके की बात इसलिए हुई क्योंकि बहुत बदमाश हो गया वो,
बहुत ज्यादा बताओ एकदम क्या हो सकता है ऑब्स्ट्रेट पेरस हो गया, उद्दंड हो गया एकदम, ठीक है, सुनता ही नहीं है बात। तो मैं डांटने ही वाला था, तभी मुझे सबने कहा, शोम सर ने कहा कि अरे सर सर मत डांटिए मत डांटिए, बच्चा है अभी। तो मैंने कहा बात जो है तुरंत चेंज करके मैंने थोड़ा सा बातचीत करने लगा। आप देख ही सकते हो डांटने के संग वो भी चुपचाप था, पता था कि पापा डांटेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने बात को चेंज करके थोड़ा सा कुछ अच्छा बोल दिया तो उसका दिए शुरू हो गया उसका चलो ठीक है। चलो रिडोलेंट की मीनिंग आपकी होगी सुगंधित या फिर फ्रैग्रेंट एरोमेटिक परफ्यूम। रिडोलेंट का एक और मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है यादगार भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि होता ना कि अचानक गांव से जा रहे थे तो गांव के सामने वो झूलों जो झूला था, एक झूले को देख करके आपको याद आ गई, सावन के झूलों ने हम मुझको बुलाया, ठीक है, मैं परदेसी दौड़ा चला आया, या जो भी हो, है ना। तो यादगार उस सेंस में भी रिडोलेंट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है कैप्रिशियस। देखो कैप्रिशियस का मतलब हो गया बिल्कुल मनमौजी, जो दिमाग में आएगा वही कर देंगे, और तुरंत एकदम फिकल माइंडेड, जिसको हम बोल सकते हैं विम्सिकल, फिकल माइंडेड, मनमौजी, चेंजेबल, है ना, अभी ये काम कर रहा है दूसरे सेकंड वो काम कर रहा है, बिल्कुल एकदम उसे खुद ही याद नहीं रह रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। सो विम्सिकल कैप्रिशियस नेचर उसे हम लोग बोल सकते हैं, फिकल माइंडेड, मर्क्यूरियल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टैंटामाउंट। ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है। टैंटामाउंट का मतलब होता है समान या फिर इक्वल, है ना, जैसे हम बोल सकते हैं कि ओके द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड टू सिमिलर स्कीम्स इन नेचर बट ऑन पेपर बट सॉरी इन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड टू स्कीम्स ऑन पेपर बट दोज टू स्कीम्स आर नॉट टैंटामाउंट टू ईच अदर इन नेचर। पेपर पे तो दो स्कीम उन्होंने कर दिया, है ना, लेकिन वो जो दोनों स्कीम्स थे, दो स्कीम्स आर टैंटामाउंट टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर थे नेचर में, है ना। तो समान, इक्वल, असिमेट्रिकल या फिर कॉन्ग्रुएंट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोपिशिएट। अच्छा, प्रोपिशिएट का मतलब होता है संतुष्ट करना या फिर सेटिस्फाई करना। प्रोपिशिएट का मतलब होता है खुश करना, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं स्टिल देयर आर मेनी विलेजेस वेयर देयर बलि प्रथा इज बीइंग कंटिन्यूड जस्ट टू प्रोपिशिएट द गॉड्स एंड गॉडेसेस। बलि प्रथा आज भी बहुत सारे गांव में है, अपने देवी देवताओं को जो है वो प्रोपिशिएट करने के लिए, खुश करने के लिए, ठीक है, अपीज करने के लिए, प्लैकेट करने के लिए, PLACATE, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी स्लाइड यहां पे हो चुकी है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चौथी स्लाइड के लिए हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। पहला वर्ड है आप सब लोगों के सामने लिखा हुआ इनिमिकल। कौन सा वर्ड लिखा हुआ? इनिमिकल। इनिमिकल की मीनिंग आपकी होती है हानिकारक या फिर हार्मफुल। एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस में आएगा। परनीशियस, डिट्रीमेंटल, ये दोनों वर्ड याद रखो, ये दोनों आपके एग्जाम में आते हैं। स्मोकिंग हैज इनिमिकल इफेक्ट्स, ठीक है, टू ऑन आवर बॉडी। परनीशियस इफेक्ट्स, डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स, तो ये सारे के सारे हानिकारक वाले सेंस में याद रखना, ठीक है, परनीशियस, इनिमिकल, डिट्रीमेंटल। नेक्स्ट वर्ड है बेड्रैगल्ड, BEDRAGGLED, बेड्रैगल। बेड्रैगल का मतलब हो गया गंदा, डर्टी। बेड्रैगल्ड जैसे हम बोल सकते हैं कि दो ही इज द, क्या हम बोल सकते हैं, आफ्टर द पार्टी द रूम वॉज कंप्लीटली बेड्रैगल्ड, ठीक है, पार्टी के बाद रूम जो था वो बिल्कुल एकदम गंदा हो गया था, डर्टी हो गया था, ठीक है, स्लोवेनली हो गया था, अनकैम्प्ड हो गया था। ये तीनों वर्ड याद रखिएगा। ये बेड्रैगल्ड ऑलरेडी आपके मेंस में यूज हो चुका है, स्लोवेनली, अनकैम्प्ड, तो ये काफी इस्तेमाल होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है रैबल राउजिंग। अच्छा, रैबल राउजिंग का मतलब हो गया बहुत ही उत्तेजक, बहुत ही प्रोवोकेटिक, बहुत ही प्रोवोकेटिव। जैसे कि ड्यूरिंग इलेक्शंस पॉलिटिशियंस यूज, या पॉलिटिशियंस यूज रैबल राउजिंग स्लोगन्स, है ना, रैबल राउजिंग, बिल्कुल एकदम उत्तेजना पैदा करने वाले स्लोगन से इस्तेमाल करते हैं। रैबल राउजिंग मतलब उत्तेजना, थोड़ा नेगेटिव सेंस में आएगा, इतना मतलब प्रोवोक करना कि मतलब कुछ बिल्कुल एकदम लड़ने मटने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दैट इज रैबल राउजिंग, है ना। नहीं, ये वाला तो रैबल राउजिंग का ये नहीं आएगा, लोकेसिटी या फिर गैरुलिटी नहीं आएगा, सॉरी। रैबल राउजिंग का उत्तेजक या फिर प्रोवोकेटिव होता है ना, प्रोवोकेटिव आपका होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल एकदम तीजना पैदा कर देना वाला, वो मीनिंग आपकी आएगी। अच्छा, कनकॉक्ट का मतलब आपको क्या होता है? कनकॉक्ट का मतलब आपको होता है योजना बनाना या फिर क्राफ्ट बनाना। जनरली क्या होता है कनकॉक्ट का मतलब कि I was late to my school because I went with my she friend, ठीक है, to watch a movie. And when I went to school late, my प्रिंसिपल asked me the reason and I concocted a beautiful story. मैंने क्या किया, एक बहुत ही बढ़िया से स्टोरी जो मैंने बना दी, वहीं पे क्राफ्ट कर दी, वहीं पे डिज़ाइन कर दी, वहीं पे, ठीक है। ओहो,
गलत हो गया, ये दोनों सिनोनिम्स नहीं है इसके, ध्यान रखना ठीक है। तो रैबल राउजिंग उत्तेजक प्रोवोटिक ये इसका नहीं है, कनकॉक्ट का मतलब योजना बनाना है फिर क्राफ्ट करना, ये दोनों इसके सिनोनिम्स नहीं है, सो सॉरी यार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्लेंस। अच्छा, पार्लेंस का मतलब होता है बोलचाल या फिर स्पीच, ठीक है, जार्गन या फिर डायलेक्ट, ये सब आपके सेम में इस्तेमाल होंगे। पार्लेंस का मतलब होता है बोलचाल या फिर स्पीच, ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बोलते ना कि बोलचाल की भाषा में अबे अरे अरे आदत तेरी की, ये सारे चीजें चलते हैं। सो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके इंग्लिश बोल नहीं पाओगे आप, ठीक है, जो कि बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया था। सो देयर आर मेनी वर्ड्स, ठीक है, इन कॉमन पार्लेंस, इन कॉमन पार्लेंस दैट यू कैन नॉट ट्रांसलेट इन इंग्लिश, है ना, जैसे दत्त तेरी की आप क्या बोलोगे, ठीक है, अत्तेरी जैसे बोलते ना। तो ये आपका चौथा स्लाइड, ठीक है, ये दो वर्ड्स मैं समझ में आ गया मुझे, थोड़ा सा उसका सिनोनिम जो मैं नहीं लिख पाया, सॉरी। ठीक है, तो 1900 पीपल आसपास अभी हमारे साथ यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान में रखिएगा 11 बजे का सेशन आप सब लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 बजे के सेशन में हम लोग SBI क्लर्क के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, SBI क्लर्क के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, 11 बजे का सेशन आप सब लोगों के लिए देखना है, ट्रस्ट रखिएगा। जितने भी लोग आपको YouTube पे तैयारी करते हैं, ठीक है, एकदम आंखें बंद करके संतोष रे सर के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करना है, आपके अपने संतोष सर के ऊपर ट्रस्ट करना है, सुबह 11 बजे आप सब लोगों को आना है, सब लोगों को आना है अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग आ गए हैं, ये रहा आपका SBI क्लर्क, खैर वह मॉक 2 नहीं करेंगे हम लोग, आई थिंक मॉक 9 करेंगे, लेकिन अच्छा है कि ये आपको यहाँ पे है ताकि आपको पता चले कि हम लोग कर क्या रहे हैं। सुबह के 11 बजे ये है, सुबह के 11 बजे हम लोग करेंगे SBI क्लर्क प्री ऑल इंडिया लाइव मॉक 30x30, क्योंकि अब 30x30 पॉसिबल इंग्लिश में भी, यही चीज मुझे जो है वो उत्तेजित करती है, और यही चीज आपको भी मोटिवेट करना चाहिए कि अब जो है वो 30x30 लाया जा सकता है क्लर्क के एग्जाम में, क्योंकि पेपर जो है अब वो 30x30 लाने के जैसा आ रहा है, ठीक है। तो सुबह 11 बजे आप सब लोगों का स्वागत रहेगा, वेट रहेगा। आगे बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा उड़ान पे आज जो है वो बिल्कुल आपको उड़ान 1.0 जो इंग्लिश का बैच है ना, ठीक, उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आज मौका है उसको ज्वाइन करने का, 999 में फ्लैश सेल ओनली फॉर टुडे, ठीक है। और उसके बाद आपको UDC का मेंस का बैच ऑलरेडी ये भी आपका है, ठीक है, UDC मेंस का बैच, और अलग अलग कुछ ज्वाइन अगर आपको नहीं करना है तो आप सिर्फ एक बार बैंक महापैक ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास नहीं है, इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक बार अगर आपने बैंक महापैक ज्वाइन किया हुआ है तो सारी की सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी, सेम कोड आपको लगाना पड़ेगा Y194, और ये फ्लैश सेल जो है ना ये सिर्फ इसी कोड पर मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, कलेक्टिव पनिशमेंट। एक्चुअली हुआ क्या, ये वाली चीज कभी भी नहीं होगी, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम रामनवमी के जुलूस उस दिन हुआ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो गए, आप देखेंगे बहुत जगह ऐसा सारी चीज़ें, बंगाल में भी काफ़ी हिंसा हो गई रामनवमी के जुलूस में, ये तो शायद इसके पहले वाले साल में भी हुआ था, है ना, जय श्री राम का नारा, तो थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम्स के बीच में ये जो एक तनाव है ना ये कभी कम होता दिखता ही नहीं है, है ना। क्या लिखा हुआ है कि द डेमोलिशन ऑफ राइटर्स प्रॉपर्टी इन MP इज अ पार्ट ऑफ वाइडर एजेंडा टारगेटिंग मुस्लिम्स। बोला ये गया है कि जो राइटर्स हैं, है ना, जो दंगेकारी हैं, है ना, उनके प्रॉपर्टी को विध्वंस करना, उनके प्रॉपर्टी को जो है वो डेमोलिश करना, बिल्कुल तोड़ फोड़ देना उनका, ये एक एजेंडा जो है दिख रहा है MP में, ठीक है, जिनका टारगेट जो है वो मुस्लिम्स को किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है एक्चुअली, पूरा का पूरा चीज है क्या, एक आपका मैं क्या बोलूं, एक घटना है, बस उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा था, अदरवाइज ये बिल्कुल भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कम्युनल जो आपको टेनोर है इसमें थोड़ा कम्युनल चेतना थोड़ी सी आ जाती है, सो इस तरीके के पैसेजेस को जो है वो जो पूरा डिस्कस करना इट्स नॉट गुड, बट हाँ हमारे कंट्री में हो क्या रहा है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, और स्पेशली कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा सा एक बोध के रूप में ये हम लोग सेशन आज यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये रहा आपका पहला स्लाइड, फटाफट से जल्दी से इसको स्टार्ट करिए पढ़ना।
हो गया। देखो क्या बोला जा रहा है, द रूल ऑफ लॉ है ना, द रूल ऑफ लॉ हैज अ न्यू इंटरप्रिटेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, तो मध्य प्रदेश में कानून का एक अलग ही इंटरप्रिटेशन, एक नया मतलब जो निकल करके सामने आ गया है। इट इज क्या ये, वॉट एवर इज डन बाय द रूलर्स, कि जो भी वहां के शासकों द्वारा किया जाता है, रिक्वायर्स नाइदर लॉ नॉर प्रोसेस, उसके लिए किसी नियम कानून की जरूरत नहीं है। द डेमोलिशन ऑफ अबाउट 45 पीसेस ऑफ प्रॉपर्टी, 45 दुकानें घर जिनको पूरा डिस्ट्रक्ट विध्वंस विनाश कर दिया गया है, बिलोंगिंग टू राइटर्स जो कि दंगे कारियों के जो बताए गए कि हाँ भाई जो दंगे कारियों के थे, ठीक है। अ डे आफ्टर अ प्रोसेशन टू मार्क रामनवमी, रामनवमी के एक जो जुलूस जिस दिन निकला उसके एक दिन बाद, डज नॉट अपीयर टू बी बेस्ड ऑन एनी लॉ, ये जो एक डेमोलिशन था वो किसी नियम कानून पे बेस होता हुआ नहीं दिखता है। इट इज अनडाउटेडली एन इंस्टेंस ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कलेक्टिव पनिशमेंट का, जहां पे मिल करके किसी एक को जो है वो पनिश किया गया है फॉर द एलिज्ड एक्ट्स ऑफ अ फ्यू, ठीक है, जहां पे क्या किया गया है कि केवल कुछ ही लोग हैं उनके अपराध की वजह से सबको एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे दिया गया है, जैसे कि जो है वो गलत काम कुछ लोगों ने किया है ना, लेकिन पूरे के पूरे एक उस पूरे जॉनर को जो है वहां पे क्या कर दिया गया, पनिशमेंट दे दिया गया। देयर इज लिटिल डाउट, बहुत ही ना के बराबर आशंका है, डाउट है, दैट इट वॉज अ स्टेट बैक्ड ड्राइव एम्ड एट मुस्लिम, बिल्कुल ना के बराबर इस बात के डाउट है कि ये जो है राज्य सरकार द्वारा चलाया गया एक ड्राइव जो है वो हो सकता है। द बेसिस फॉर द एक्शन इज द एलिगेशन दैट द हिंदू प्रोसेशन वॉज टारगेटेड बाई स्टोन्स, ठीक है, अब बोला ये जा रहा है कि एलिगेशन ये लगाया गया कि जो हिंदू प्रोसेशन रामनवमी का था, ठीक है, उसको जो है वो उसके ऊपर टारगेट ये था, पत्थर बरसाव का उसके ऊपर टारगेट था, एज इट पास थ्रू अ लेन एडजेसेंट टू अ मॉस्क, ठीक है, जैसे ही ये एक एडजेसेंट जैसे ये किनारे से निकला, किसके मस्जिद के किनारे से निकला, तो आरोप ये लगाया गया कि टारगेट मुस्लिम कुछ दल का ये था कि उस रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी करना। एन ऑफिशियल स्पिन इज सॉट टू बी गिवन टू द डेमोलिशन ड्राइव, बोला जा रहा है कि इस डेमोलिशन जो ड्राइव है दंगेकारियों के घरों को दुकानों को जो विध्वंस करना है, इसको जो है एक मतलब जो एक क्या बोल सकते हो ऑफिशियल व्यू भी इसको दिया गया है, दैट दीज वेयर एनक्रोचमेंट्स एंड वेयर रिमूव्ड अंडर एग्जिस्टिंग रूल्स, और ये बोला गया है कि इन सारी चीजों को भाई एग्जिस्टिंग रूल्स के अंडर ही ये सारे के सारे काम किए गए हैं, सरकार ये कह रही है। However, the zeal shown in bringing in bulldozers, बोला जा रहा है लेकिन फिर भी जो उत्साह दिखाया गया है bulldozers को लाने में, a day after violence, ठीक है, a day after violence marred the रामनवमी procession, बोला जा रहा है कि रामनवमी के procession को जिस violence ने, जिस हिंसा ने बिल्कुल एकदम मार करके, बिल्कुल एकदम विध्वंस करके बिल्कुल धंसा दिया जमीन पे, है ना, उस मतलब वायलेंस के एक दिन बाद जिस उत्साह के साथ, जो उत्साह दिखाया गया बुलडोजर लाने में, ठीक है, वो इंडिकेट करता है दैट पनिशिंग दोज सस्पेक्टेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट वॉज द मेन मोटिवेटिंग फैक्टर, कि ये जो पूरी ड्राइव था उसका मतलब जो एक फैक्टर क्या था, मोटिवेटिंग फैक्टर, कि इस घटना में जितने भी दंगेकारी इन्वॉल्व हैं उनको पनिशमेंट देना जो है यही मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज वॉर्न्ड That rioters would not be spared. शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्होंने ये बोला है कि जो दंगेकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, that action would not be limited to arrest, और जो action होंगे वो सिर्फ गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं रहेंगे, but would extend to recovery of damages from property owned by them. लेकिन क्या होगा, सिर्फ गिरफ्तारी तक ही नहीं रहेगा बल्कि जो प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है उसको भी उन दंगेकारियों से जो है वो वापस लिया जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो है वो एक तरीके से रिवाइवल रेस्टोरेशन किया जाएगा उस डैमेज्ड प्रॉपर्टी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा स्लाइड, आप भी
क्या बोला गया है, द लीगल बेसिस इज पॉसिबली अ 2009 ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, जो बेसिस बनाया गया है, ठीक है, वो बोला गया 2009 का सुप्रीम कोर्ट का एक जो ऑर्डर था उसको बेसिस बनाया गया, परमिटिंग, जो कि अलाउ करती है द पिनिंग ऑफ द ब्लेम ऑन ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन इवेंट इफ इट एंड्स इन वायलेंस. ये बोला गया 2009 के सुप्रीम कोर्ट के एक जो आपका वर्डिक्ट था उसके हिसाब से बोला गया है कि अगर किसी भी इवेंट का एंड वायलेंस में होता है ना, तो फिर ऑर्गेनाइजर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स जो है उन पे ब्लेम लगाया जा सकता है, एंड रिकवरिंग कंपेंसेशन, और कंपेंसेशन भी उनके ऊपर, रिकवरी कंपेंसेशन जो होती है वो भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं. However, even that was allowed only after the involvement in the violence was proved. बोला जा रहा है कि हालांकि ये allow तभी किया जाएगा जब उनका उस हिंसा में उन organizers का involvement जो है वो साबित हो जाएगा, लेकिन उसके लिए an element clearly absent here. लेकिन ये वाली जो चीज़ थी कि उनका पूरा का पूरा एक involvement साबित हो रहा है, इस तरीके का कोई element जो वो बिल्कुल यहाँ पे absent दिख रहा है. हिंदुत्व आउटफिट्स, जो हिंदू संगठन है, हैव बीन फॉर सम टाइम नाउ टारगेटिंग मुस्लिम बिजनेसेस. अब हिंदू संगठन जो है वो मुस्लिम बिजनेसेस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर बॉयकॉट एंड डिसमिनेशन ऑफ रूमर्स. ठीक है, और वो बोल, ये भी बोल रहे हैं कि सारे के सारे इन मुस्लिम जितने भी आइटम जो भी आपकी दुकानों में बन रहे हैं उनको बॉयकॉट किया जाए. डिसमिनेशन ऑफ रूमर्स अबाउट देयर प्रैक्टिसेस, और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि मुस्लिम जो है किस तरीके से एंटी हिंदू प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं, उसका भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं हिंदुत्व संगठन. इन द बैकड्रॉप ऑफ अपसर्ज इन कॉल्स फॉर वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम, अब ये बोला जा रहा है कि मुस्लिम के अगेंस्ट हिंसा का ये जो एक अचानक से एक जो एक इंक्रीज है, अपसर्ज है, सम विद अ जेनोसाइडल टेनर, किसमें अभी तो मतलब ऐसा भी लग रहा है कि इसमें एक आशंका भी निकल कर आ रही है कि शायद एक जेनोसाइड भी दिमाग में शायद कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, मतलब मास किलिंग जिसको बोलते हैं. देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट देयर इज अ लार्जर एजेंडा बिहाइंड द वेरियस इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल कलर टेकिंग प्लेस. अभी बोला जा रहा है इन सबको देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद एक बहुत बड़ा एजेंडा हो सकता है इस तरीके के सांप्रदायिक जो भी आपके इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, इनके पीछे शायद एक बहुत बड़ा जो है वो एजेंडा हो सकता है. द ऑब्जेक्टिव सीम्स टू बी टू प्रोवोक, ऑब्जेक्टिव जो है वो शायद प्रोवोक करना दिख रहा है, सम सॉर्ट ऑफ रिटेलिएशन. ऑब्जेक्टिव जो है वो शायद जो है वो बदले की भावना को जो है थोड़ा सा बढ़ाना दिख रहा है, सो दैट दे कैन बी पोर्ट्रेड एज कल्प्रिट्स, ताकि वो जो दंगेकारी हैं, ठीक है, उनको मतलब कल्प्रिट्स के रूप में दिखाया जा सके एंड सीवियर पनिशमेंट उनके लिए सोचा जा सके, बोथ लीगल एंड एक्स्ट्रा लीगल मेटेड आउट, और कानूनी गैर कानूनी जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनको दी जाए. ठीक है, दी अदरिंग ऑफ मुस्लिम्स इज नो मोर डिस्क्रीट, ठीक है, बट इज बीइंग एक्टिवली प्रोमोटेड इन पब्लिक एंड शेयर्ड थ्रू सोशल मीडिया. यही बोला जा रहा है कि मुस्लिम बिजनेसेस को बिल्कुल अलग करना, ठीक है, मुस्लिम बिजनेस को बिल्कुल जो है वो अलग करना, ये जो है कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं, इट इज नो मोर डिस्क्रीट, ये कोई विचारशील बात नहीं है, और ये सोशल मीडिया और पब्लिक के द्वारा जो है इसको काफ़ी प्रमोट भी जो है वो किया जा रहा है. इन सम डिस्टर्बिंग विजुअल्स, और बहुत सारे कुछ वीडियोज़ भी आपको आए हैं जिसमें मैन अपियरिंग टू बी सैफ्रोन रॉब्ड मॉन्क्स, जिसमें कि वो सैफ्रोन कुर्ता पहने जो भी आपके साधु सन्यासी हैं, आर सीन हैंडिंग आउट डेथ एंड रेप थ्रेट्स. ठीक है, वो देखे, उनमें दिखाए गए हैं कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा मौत की धमकी दे रहे हैं, रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, इस तरीके के विजुअल भी जो है वो शॉकिंग विजुअल सामने आए. ये एक है सारी की सारी चीजें दोस्तों. सेशन जो है वो यहां पे हम लोग खत्म करते हैं. ठीक है, आप सब लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट यहां पे रहेगी चीजें. ठीक है, एक बार हम लोग चीजों को यहां पे देखते हैं. अगर हम लोग यहां पे जा करके एक चीज देख लेते हैं, adda247.com आ गया, adda247.com. ठीक है, यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आए हम लोग. ठीक है, और यहाँ पे आपने UDAAN उड़ान टाइप किया और एंटर किया. जैसे आपने उड़ान टाइप किया और एंटर किया तो ये देखिए आपके सामने बैच आ गया उड़ान 1.0, इसको आपने क्लिक किया. ठीक है, और इसकी प्राइस सिर्फ आज, ठीक है, सिर्फ आज के लिए जो है, जैसे आप कोड जो है वो एंटर करेंगे Y194, जैसे आप कोड ओपन करेंगे तो इसकी प्राइस जो है यहाँ पे आप क्या होगी, ये देखो 1043 आपका आ गया है, लेकिन ऐप पे अगर आप जाएंगे तो 999 आपको दिखेगी ऐप पे. ठीक है, तो फिर भी जो है वो आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं. ठीक है, प्राइस ऑलरेडी जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी आपकी कम हो गई है, तो ये सिर्फ ऑफर आज के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ. आप यहाँ पर चाहें तो ESIC, ठीक है, UDC ये वाला भी आप यहाँ पे फटाफट से टाइप आपने कर दिया. जैसे आप टाइप करेंगे देखो ESIC फेज 2 है ना,
मेंस का बैच ये आपका आ चुका है। जैसे आप इसको सेम प्रोसेस व्यू ऑफर्स में यहाँ पे जाएंगे और एंटर कूपन कोड आपको करना है, क्या करना है, Y194 और आप एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 1379 इसकी आपकी प्राइस हो गई है। कितनी प्राइस है, 1379, और ये प्राइस आपकी और कम हो जाएगी जब आप ऐप के थ्रू से करेंगे। तो इतने कम में मेंस का मुझे नहीं लग रहा कि आपका प्रिपरेशन जो है वो कहीं पर और हो सकता है। जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करिए, 15 तारीख से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करिएगा। और ये सारी की सारी चीज़ अगर आपको एक साथ चाहिए तो कोई टेंशन नहीं है भाई, आप यहाँ पे फिर से एक बार बैंक महापैक टाइप कर सकते हैं, बैंक महापैक, सारा का सारा झमेला ये आपका खत्म हो जाएगा, सारा का सारा झमेला ये आपका खत्म हो जाएगा। बैंक महापैक ये देखिए आ चुका है, बैंक महापैक ऐसे क्लिक किया, सारा का सारा इसमें आपको मिलेगा, फाउंडेशन, हाई लेवल, आपका डिस्क्रिप्टिव, स्पोकन इंग्लिश का बैच है ना, आपके केवल पजल और डीआई का बैच, मेरा इंग्लिश प्रो, उड़ान, वॉरियर प्रो, सारा जीए मेंस का कैप्सूल, स्टैटिक जीके का बैच, हर एक चीज़ प्री मेन सब कुछ सेम आपको वही है। कोड आपको यूज़ करना है Y194, देखो प्रोसेस सेम है लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्राइस देखो 4139, ये ऐप पे आपको क्या हो जाएगा 3959 हो जाएगा, लेकिन ओनली 3959 रुपीज में आपको पूरा एक साल की वैलिडिटी, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं। तो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपके हाथ में बॉल, आप देखें तो क्या कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली मैं आपको बता दूं, उड़ान का जो ये ऑफर है, दिस इज ओनली फॉर द डे, ध्यान रखिएगा, दिस इज ओनली फॉर द डे, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर द डे, सिर्फ ये ऑफर ऑफ द डे, फ्लैश सेल है, 999 यू आर गेटिंग, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू, शुक्रिया दोस्तों। 11 बजे आप सब लोगों से मुलाकात होगी ताबड़तोड़ तरीके से एसबीआई क्लर्क इंग्लिश के सेशन में। यूट्यूब के लिए जितने लोग हैं सारे के सारे लोग मुझसे सुबह 11 बजे आप सब लोगों को मिलना है। थैंक यू वेरी मच।